The question is given, the vapor pressure of two pure liquids A and B that form an ideal solution are 300 and 800 torr respectively. At temperature T, a mixture of the vapor of A and B, for which the mole fraction of A is 0.25, is slowly compressed at temperature T. Calculate. A option, the composition of the first drop of the condensate. आप समझ लो जरा, A का pure state में vapor pressure कितना है? 300. B का 800. और vapor phase में, आप देखो यहाँ पर mole fraction vapor phase दिया हुआ है 0.25. अब देखो इधर से, तो अगर यहाँ पर हमारे पास vapor phase में mole fraction दिया हुआ है 0.25, ये रहा statement. Vapors of A and B, तो यहाँ पर ये Y A हो गया हमारे पास. यानी हमारे पास P डिग्री A, P डिग्री B और Y A पता है. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहां पर A ऑप्शन में पूछा गया द कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द कंडेंसेट. फर्स्ट ड्रॉप का जो कंपोजिशन है वो क्या है, तो यानी क्या आप उसने पूछा X A X B क्या है. आप जानते हैं Y A दिया है 0.25, Y B 0.75 हो गया. P टोटल Y A इक्वल टू P डिग्री A X A लिख सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है इसको. आप जानते हैं इसको P टोटल क्या होता है, P डिग्री A X A प्लस P डिग्री B X B. ये P टोटल इक्वल टू P डिग्री A X A प्लस P डिग्री B और X B की जगह 1 माइनस X A. किसी एक का डेटा भी आप यूज कर सकते हैं. तो आप देखो यहां पर P टोटल की जगह मैंने ये टर्म लिखी है, आप ध्यान से देख लो. P डिग्री A यानी 300 into X A प्लस 800 इन द ब्रैकेट 1 माइनस X A into Y A का वैल्यू कितना दिया था 0.25 इक्वल टू 300 P डिग्री A दिया हुआ है इनटू X A. आप देखो इसमें A की वेरिएबल X A, वो कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आ जाएगा 0.47. यानी कि 1 में से अगर 0.47 को माइनस करेंगे तो X B की वैल्यू मिलेगी 0.53. देखो 1 माइनस 0.47 करने पर 0.53. ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें कंपोजिशन पूछा था कि बबल का क्या कंपोजिशन होगा लिक्विड फेज में, तो ये आ गया. अब आती है बात बी. बी ऑप्शन में क्या पूछा गया है, देखो द टोटल प्रेशर When this drop is formed, जब ये drop बनती है तब total pressure क्या है. तो पहले तो A option की बात करो. A option में यहां पर आपको wave composition दिया था Y A 0.25, Y B 0.75. ये actually graph है. अब अगर आप इस पर एक line draw करते हैं तो यहां पर ये जो ऊपर वाली graph है आप देखो वो X यानी liquid के mole fraction को represent करता है, नीचे वाला कर्व वेपर के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो आपने जो 0.47 और 0.53 निकाले हैं वो ये वाला कंपोजिशन निकाला है और ये कंपोजिशन आपने इसी प्रेशर पे निकाला है. आप देखो ये वाला प्रेशर, ये प्रेशर पे. तो अब बी ऑप्शन में इसी प्रेशर को पूछ रहा है कि ये प्रेशर कितना है, ये निकालना है आपको. तो जब आपको एक्स ए और एक्स बी मिल गया तो आप इसमें वैल्यू डाल दो जो ये फॉर्मूला है पी टी इक्वल टू पी डिग्री एक्स ए प्लस पी डिग्री बी एक्स बी. यानी पी टोटल इक्वल टू 300 एक्स ए प्लस 800 एक्स बी. एक्स ए की वैल्यू मालूम चल गई आपको, एक्स बी की वैल्यू मालूम चल गई. आप यहां पर वैल्यू प्लेस करेंगे आपको आंसर आ जाएगा और ये होगा 565. अब आता है हमारे पास सी ऑप्शन. सी ऑप्शन में क्या पूछा है, द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन हुज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज टी. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जब भी बोला जाता है तो याद रखना एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm लेना है. 1 atm मतलब 760. तो आपको फिर यहां यही फॉर्मूला वापस लगा दो. ये रहा PT इक्वल टू, तो PT की जगह कितना रखेंगे 760. P डिग्री है पता है, P डिग्री पता है, A की वैल्यू बचा है X से, तो वो आ जाएगा. ये रहा 760 इक्वल टू 300 X से प्लस 800 1 माइनस X से, X से की वैल्यू 0.08, X भी 0.92. ये C पार्ट हो गया. अब D पार्ट करते हैं. द प्रेशर व्हेन ओनली द लास्ट बबल ऑफ वेपर रिमेन. अब जरा समझना, अभी हम जब क्वेश्चन शुरू किए थे तो इस पॉइंट पर थे. यहां पर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन Y A 0.25, Y B 0.75. अगर हम यहीं से प्रेशर बढ़ाते जाएं तो इधर आने पर इसके बाद हमको वेपर्स नहीं मिलेगी. यानी यहां पर लास्ट बबल ऑफ वेपर होगा. यही पूछा है. देखो डी में द प्रेशर व्हेन ओनली द लास्ट बबल ऑफ वेपर रिमेन. यानी उसने अब इस प्रेशर की बात की, इस प्रेशर की, इसकी बात कर रहा है. यानी ये प्रेशर अब आपको निकालना है. तो यहां पर तो आप देखो ना यही वाली लाइन पर ऊपर आए ना, तो ये जो मोल फ्रैक्शन था 0.25 और 0.75 वो अब लिक्विड का मोल फ्रैक्शन हो गया. यानी अब आप लिक्विड में एक्स ए 0.25 और एक्स बी 0.75 डालेंगे. तो आप देखो यहां पर एक्स ए आपके पास 0.25 हो गया, एक्स बी 0.75 हो गया. पी टोटल इक्वल टू फॉर्मूला वापस इसमें डाल दो, 300 इंटू 0.25 प्लस 800 इंटू 0.75 इक्वल टू 675.
क्लियर। अब ई ऑप्शन, ई ऑप्शन पूछा है द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट बबल। अब लास्ट बबल का कंपोजिशन जब कंडेंस कर रहे हैं तो लिक्विड फेज में कंपोजिशन या वेपर फेज में कंपोजिशन, तो ये तो आपके पास लिक्विड फेज मिल गया। इसी प्रेशर को आगे बढ़ाओ तो यहां पर कहीं पर कंपोजिशन मिलेगा वेपर फेज में, बबल का वेपर, भाई बबल का कंपोजिशन पूछा है तो बबल का कंपोजिशन तो यहां मिलेगा, ये लिक्विड का कंपोजिशन हो गया तो बबल का कंपोजिशन यहां पर मिलेगा, ये वेपर फेज की लाइन है। तो यहां क्या कंपोजिशन मिलेगा, ये थोड़ा ग्राफ थोड़ा सा टर्न कर लो आप इस टाइप से, और ये मैं इस ग्राफ की बात करूं नीचे वाली लाइन को टच करने वाला, तो नीचे वाली लाइन जो टच कर रही है यानी कि यहां पर प्रेशर आपको पता है। अब आपको प्रेशर पता है यानी पी टोटल जो आपने अभी निकाला था 675, उसी प्रेशर पर बात की जा रही है। वाई ए वाई बी निकालना है तो आपने वो पहला वाला फंडा वापस से यूज कर लो, पी टोटल वाई ए इक्वल टू पी डिग्री एक्स ए। वाई ए इक्वल टू कितना आ गया 300 इंटू 0.25, ये हमारे पास एक्स ए की वैल्यू है, अपॉन टोटल प्रेशर 675। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.11। जब आपको वाई ए मिल गया तो वाई बी निकालने के लिए 1 में से वाई ए को माइनस कर दो तो 0.89।